शं शनिश्चराय नमः। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं प्रेरणा जैन और आप देख रहे हैं आओ चलें श्री शनि धाम में। देवाधिदेव श्री शनि देव हर जगह है। देवाधिदेव श्री शनि देव मनुष्य की आस्था है, विश्वास है, तपस्या है, श्रद्धा है। देवाधिदेव शनि देव न्यायाधीश हैं। देवाधिदेव श्री शनि देव आपको आपके कर्मों के अनुसार ही फल प्रदान करते हैं। भगवान सूर्य और माता छाया के पुत्र हैं देवाधिदेव श्री शनि देव। विष्णु के भक्त हैं श्री शनि देव। श्री शनि देव के चरणों में हमारा शत शत नमन। शनि देव की महिमा अपरंपार है। गुणों से भरपूर हैं हमारे शनि देव और उनका एक विशेष गुण यह है कि वे दूध का दूध और पानी का पानी कर देते हैं, अर्थात सच और झूठ के बीच के फर्क को वे भली भांति जानते हैं, समझते हैं। तभी तो वो मनुष्य को उनके कर्मों के अनुसार ही फल प्रदान करते हैं। यदि हम किसी के लिए अच्छा सोचेंगे तो शनि देव अपनी कृपा हम पर बरसाते हैं, और इसके विपरीत यदि हम किसी को दुख पहुंचाने के लिए सोचेंगे, किसी को पीड़ा देंगे, तो शनि देव उस मनुष्य को राजा से रंक बना देते हैं। शनि देव आपके शत्रु नहीं, बल्कि वो तो आपके मित्र हैं। शनि देव के बारे में बहुत सी भ्रांतियां हैं, बहुत से भय हैं लोगों के मन में, लेकिन मैं आपको बता दूं कि देवाधिदेव श्री शनि देव आपको आपके कर्मों के अनुसार ही फल प्रदान करते हैं। श्री शनि देव का निवास स्थान है श्री सिद्ध शक्ति पीठ शनि धाम। यह इतना पावन तीर्थ है कि यहाँ पर आकर भक्तों के सभी कष्टों का निवारण हो जाता है, उनकी सभी परेशानियों का शमन हो जाता है। हरि ओम तत्सत् जय शनिदेवा। 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 हरि ओम तत्सत् देवाधिदेव श्री शनि देव तो हर जगह हैं। संगीत में, हमारे मन में, हमारी आस्था में, हमारे विश्वास में, जहाँ भी श्रद्धा के साथ भगवान को देखोगे, चारों ओर आपको शनि देव ही मिलेंगे। शनि देव की कृपा हमेशा ही अपने भक्तों पर सदैव बरसती है। वे पल में मनुष्य को राजा से रंग और रंग से राजा बना देते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि वे मनुष्य को उनके कर्मों के अनुसार ही फल प्रदान करते हैं। आइए अब आपको मिलवाते हैं कुछ ऐसे ही श्रद्धालुओं से जिन पर देवाधिदेव श्री शनि देव की अपार कृपा बरसी। मेरा नाम महिमा है। हमें ना यहाँ पे 6 साल हो गए आते हुए, और यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है आके पूजा करके। 6 साल हो गए हमें यहाँ पे आते हुए, बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर आके पूजा करके। अंदर जाके तेल चढ़ाते हैं मेरे पापा, हमें बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे आना, और हम आगे भी आते रहेंगे यहाँ पे। पहली बार आए और वो टीवी में वगैरह देखे तो थोड़ा अच्छा लगा करके। हैदराबाद से आए, सो नहीं, बहुत दिन से देख रहे, पर तो 1 साल से आने का सोचे थे। कल आए, कल भी बाबा जी मिले थे, आज मिलने का है, अच्छा लगा। मेरा
मैं शनिधाम चौथी बार आया हूँ जी, चौथी बार आया हूँ। उससे पहले मैं दाती महाराज का प्रोग्राम देखता था टीवी के अंदर, काफ़ी विश्वास के साथ कहते थे कि वहाँ पे आके देखो, आके देखो, जो अपनी समस्या वो वहाँ पे कहो आके। तो आने की बहुत दिन से मन के अंदर इच्छा थी, लेकिन मैं कभी ऐसा हो नहीं पाया। एक दिन जब ज़्यादा इच्छा थी बहुत ज़्यादा, तो एक दिन चमत्कार दिखाया बाबा ने और रातों रात में पैसे का अरेंजमेंट हो गया और अगले शनिवार को फिर मैं आ गया यहाँ पर। तो चार शनिवार है, अच्छा देखने को मिलता है और मन के अंदर शांति भी मिलती है, घर में भी खुश हैं सब लोग। और आगे आस्था यही है कि आगे भी ठीक ठाक ही चलता रहेगा। बड़े विश्वास के साथ आए हैं कि हमारी गलतियों का जो भी समाधान है वो पूरा होगा। जैसे कि दर्शकों, रोजाना हम आपको बता रहे हैं, लगातार आपको इस चैनल के माध्यम से दिखा रहे हैं कि शनि अमावस्या आने को है और देवाधिदेव श्री शनि देव का निवास स्थान यानी कि शनि धाम में शनि अमावस्या बड़े उत्साह पूर्वक मनाई जाती है। तो दर्शक को परमहंस दाती जी महाराज स्वयं आपको आमंत्रित करते हैं कि आप अपने पूरे परिवार के साथ शनि अमावस्या वाले दिन शनि धाम अवश्य आए, वहां पर दर्शन पूजन और महाआरती में भाग लेकर अपने जीवन को सफलता की ओर लेकर जाएं। 9 जनवरी 2016 श्री शनि धाम शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर में आपका स्वागत। करिए शनि भगवान के पूजन दर्शन तिलाभिषेक, जीवन की संपूर्ण पीड़ाओं से मुक्ति मिलेगी। पधारिए श्री शनि धाम शनि तीर्थ असोला फतेहपुर बेरी में, करिए शनि भगवान के दर्शन। अगर कोई बच्चा कहीं रोया है तो आंसू परमहंस दाती जी महाराज की आंखों में भी आए हैं। यदि कोई बच्चा शिक्षा से दूर रहा है तो दाती जी महाराज ने आगे आकर उसको शिक्षा प्रदान की है। यदि कोई प्राणी दुख में है, पीड़ा में है, तो दाती जी महाराज स्वयं उसकी सहायता करने के लिए आगे आए हैं। कुछ ऐसे हैं हमारे परम हंस दाती जी महाराज। जी हाँ दर्शकों, परम हंस दाती जी महाराज एक ऐसे संत गुरु हैं जिनका मानना है कि इस जीवन में यदि आए हैं तो हमें कुछ करना चाहिए। इस जीवन में कोई भी प्राणी दुख ना विभोगे, इसलिए दाती जी महाराज ने अपना संपूर्ण जीवन जन कल्याण में लगा दिया है। आइए दर्शकों, आपको भी मिलवाते हैं परम हंस दाती जी महाराज से। भारतवर्ष संतों महात्माओं गुरुओं एवं ज्ञानियों की धरा है। इन साधु संतों एवं महात्माओं में रची बसी है भारत की संस्कृति। समय समय पर साधु संत अवतार लेकर मनुष्य को सही दिशा एवं राह दिखाते रहे हैं, यानी संतों के मार्गदर्शन से ही यह संसार संचालित है। ऐसे ही परम संत महान आत्मा परम ज्ञानी सर्वोत्तम गुरु मार्गदर्शक पथ प्रदर्शक राष्ट्रप्रेमी गौ एवं गरीबों के सेवक श्री शनिदेव के उपासक शनि चरणानुरागी श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर परमहंस दाती महाराज है। दाती महाराज की अपनी गरिमा एवं महिमा है। परम ज्ञानी एवं दानी दाती महाराज आकांक्षाओं से रहित तथा परम पिता परम परमेश्वर की उपासना में लवलीन एकाग्र एवं दक्ष है। दाती महाराज की महिमा का गुणगान एक संत के रूप में करें तो ये न कभी हर्षित होते हैं, न कभी शोक करते हैं, न कभी प्रसन्न होते हैं, न कभी उदास। शुभ एवं अशुभ कार्यों का त्याग करने वाले संत हैं दाती महाराज। दाती महाराज शत्रु एवं मित्र में मान एवं अपमान में भी सम रहने वाली है। सुख दुख के द्वंद्वों में सम आसक्ति से रहित संत शिरोमणि परमहंस दाती महाराज का जन्म 10 जुलाई 1950 को राजस्थान के जिला पाली के गांव अलावास में हुआ। दाती महाराज बचपन से ही महान आत्मा एवं तीक्ष्ण बुद्धि के स्वामी थे। बाल्यकाल से ही इनका लगाव
प्रभु से हो गया। अतः 9-8 वर्ष की अल्प आयु में इनका माया, मोह, तृष्णा, काम, क्रोध एवं मद से मोह भंग हो गया। सांसारिक सुखों एवं भोगों को त्याग कर दाती महाराज सच्चे सुख, परम ज्ञान एवं परमानंद की प्राप्ति हेतु परमात्मा की शरण में चले गए। वर्षों तक इन्होंने हिमालय की दुर्गम गुफाओं में घोर तपस्या की। तत्पश्चात दाती महाराज ने संसार में व्याप्त ज्योतिष ध्यान तथा देवादिदेव श्री शनिदेव से संबंधित भ्रांतियों को दूर करने की दिशा में न सिर्फ विचार किया अपितु मनुष्यों के मन से उन भ्रांतियों को भी मिटाया। शनि चरणानुरागी श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर परमहंस दाती महाराज की विद्या, ज्ञान एवं कृपा से आज असंख्य भक्त तथा श्रद्धालु लाभ प्राप्त कर रहे हैं। दाती महाराज के 3 प्रमुख सिद्धांत हैं, प्रथम सेवा, द्वितीय सत्संग तथा तृतीय सुमिरन। परमहंस दाती महाराज निंदा को सम्मान समझने वाले, मितभाषी समस्त प्राणियों के प्रिय तथा सभी को समरण समझने वाली है। दाती महाराज व्यक्तियों में व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं, मनुष्यों को प्रभु प्रेम का एहसास कराते हैं, समाज को एक सूत्र में पिरोने का काम करते हैं तथा मनुष्य को जीवन मंत्र प्रदान करते हैं। दाती महाराज राष्ट्र प्रेम तथा भक्ति का मार्ग प्रशस्त करती है। मनुष्यों को प्रभु के धाम तक पहुंचाने में दाती महाराज मनुष्यों की मदद करती हैं। एक गुरु के रूप में दाती महाराज हमें ये ज्ञान प्रदान करती हैं कि हम जितना अंतर में जाएंगे हमें उतना ही अधिक प्रभु प्रेम का अनुभव होगा। एहसास टीवी के कार्यक्रम को आगे देखने के लिए आप लॉग ऑन करें www.ehsastv.com पर। वीडियोकॉन D2H के लिए 484 नंबर पर देख सकते हैं, सिटी पे 88 नंबर पर, हैथवे पे 827 नंबर पर, डेन पे 863 नंबर पर और फास्टवे के 415 नंबर पर अब आप अपना एहसास टीवी चैनल देख सकते हैं।